जैसे कि आप जानते हैं हर मंथ के 20 तारीख को 3B का लास्ट डेट रहता है। 3B फाइल करने से पहले दो तीन चीज़ों को हम पहले ध्यान में रखेंगे। पहला 2A मैच करेंगे अपनी बुक से, उसके बाद 2B को मैच करेंगे और 2A 2B में क्या डिफरेंट है उसको मैच करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा कोई भी माल अगर पर्चे रिटर्न हुआ है तो उसको भी हम बुक में पहले मेंशन करेंगे, उसके बाद अपने ATC को चेक करेंगे। पहले क्या होता था कि कोई भी पर्चे रिटर्न अगर होती थी तो उसका क्रेडिट नोट हमें अलग से कॉलमन में दिखाया जाता है। अब हमारा ITC जो है तो उसमें माइनस हो करके ही हमको आएगा। अगर हमने कोई भी माल पर्चे रिटर्न किया है तो उसका जो भी क्रेडिट नोट पे टैक्स बनता है वो हमें ITC में एडजस्ट होकर के ही अब हमें शो होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा बैक मंथ का CGST और HGST और सेस बिल्कुल इस तरह से था। अब ये मेरा अभी मार्च तक का है, फरवरी का अपडेट होकर के ITC नहीं आया, क्योंकि जब तक हम 3B फाइल नहीं कर लेते हर महीने के तब तक ये अपडेट नहीं होता है। तो अभी मेरा ये जो शो हो रहा है वो जनवरी मंथ का शो हो रहा है। ये सारा पॉइंट चेक करने के बाद अब हम सबसे पहले चलेंगे फाइल रिटर्न। आप देख सकते हैं यहाँ से हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ये ओपन होकर के आ जाएगी एक पेज। उसके बाद हम यहाँ से मार्च अभी फरवरी का फाइल करने वाले हैं तो फरवरी वाले पे क्लिक करेंगे। फरवरी मंथ सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे आपके सामने बिल्कुल इस तरह से ये ओपन हो करके GSTR 1, 2A और 2B और नीचे 3B दिख रही है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट भी दिया हुआ है 20/3/2023 इसका लास्ट डेट 3B फाइल करने का है। GSTR 1 मैंने यहाँ पे फाइल कर रखा है, इससे रिलेटेड मैंने लिंक भी वीडियो में दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसका लिंक देख सकते हैं और वहाँ से अब GSTR 1 किस तरह से फाइल किया जाता है। अगर आप बिगनर हैं और स्टार्टिंग से आपको नहीं पता है GSTR 1 किस तरह से हम फाइल करेंगे और उसे भी किस तरह से बुक से हम मैच करेंगे तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जा कर के इसे देख सकते हैं। आइए चलते हैं हम 3B किस तरह से फाइल करेंगे इस पर ध्यान देते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख लिए हैं पूरी तरह से, ये मेरा अभी डेट भी है 20 तारीख तक। अब हम इसे प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे या यहाँ पे भी आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगी और ये कह रहा है कि 3B मंथली रिटर्न, और यहाँ पे आप आ जाएंगे थोड़ा सा ये क्वेश्चन कर रहा है कि डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, क्या आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। अगर आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करिए, वरना नो पे आप क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करके यहाँ से आप इसे नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे आपके सामने एक ये इस तरह का पॉपअप ओपन होगा जिसमें आपका लिखा रहेगा कि आपका GSTR 1 फाइल हो चुका है, समरी स्टेटस भी आपका सही है, आपका 2B जनरेटेड हो चुका है, ये भी आपका समरी सही है, अब आपका 2B भी आपका ये 4A में इनपुट टैक्स क्रेडिट हो चुका है। ओके, तो ये तीनों आपको यहाँ पे मैसेज दे रहा है, उसको आप क्लोज कर देंगे। यहाँ से क्लोज करने के बाद अब यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं आएंगे आप यहाँ पर, और सबसे पहले आपने जो GSTR 1 फाइल किया है उसमें आपका आउटपुट टैक्स जो है सो यहाँ पे शो हो रहा है, जिसमें कि CGST आपका इतना है, GST शो हो रहा है, EMO और IGST आपका यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका इतना लाइबिलिटी फरवरी मंथ में बना है, सो यहाँ पे आपका शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये अगर मेरे केस में इससे रिलेटेड कोई भी नहीं है तो यहाँ पे 00 शो हो रहा है, ये सब मेरा इंटरस्टेट सप्लाई नहीं है तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 00 शो हो रहा है। यहाँ पे मेरा एलिजिबल ATC कितना कितना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फरवरी मंथ का इंटीग्रेटेड टैक्स मेरा इतना है, सेंट्रल टैक्स इतना है और स्टेट टैक्स इतना है, ये मेरा ATC फरवरी मंथ का यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें यहाँ पे मेरा कोई भी ऐसा नील या रिलेटेड इन्वॉल्व नहीं है या नॉन GST नहीं है, इसलिए यहाँ पे 00 शो हो रहा है और अभी तक मेरा इसमें कोई भी लेट फेल भी नहीं है ना इंटरेस्ट है, इसलिए ये भी आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से 0 है। तो ये सब कुछ चेक करने के बाद हम यहाँ से नीचे जाएंगे और सेव GSTR सिस्टम जनरेटेड 3B है, ये आपको कह रहा है कि आपका ये 3B जो है तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड है इस पर, इसलिए आप में को इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ से हम सेव फाइल सेव GSTR 3B पे क्लिक करेंगे और इस फाइल को सेव करेंगे। जैसे सेव फाइल पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक मैसेज आएगी
थ्री बी डिटेल सेव सक्सेसफुली। ओके अब हम नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ से अब हम सब प्रीव्यू ड्राफ्ट में आप क्लिक करके देख सकते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, आपके सामने बिल्कुल इस तरह से एक विंडोज ओपन होकर के आ चुका है। आप देख सकते हैं द कैश इज अवेलेबल एज ऑन डेट ITC अवेलेबल। ओके यहाँ पे देख लीजिए आपका कैश लेजर क्रेडिट में कुछ भी बैलेंस नहीं है, 0-0 है। उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा इधर आएंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका क्रेडिट लेजर बैलेंस, जिसमें कि आपका ITC आया है, इंटीग्रेटेड टैक्स सेंट्रल स्टेट सेस एंड टोटल आपका यहाँ पे शो हो रहा है। आप देख सकते हैं 36,73,222 रुपया टोटल ITC आपका जनवरी और फरवरी मिला करके इतना है। अब इसको आपको आउटपुट का जो लाइबिलिटी है उसके साथ एडजस्ट करेंगे। ओके उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ITC जो था, ये आपका ITC यहाँ 36,73,000 टोटल, जिसमें कि आपका CGST इतना बचा हुआ है, सॉरी SGST ये 14,28,000, CGST 20,93,000, IGST इतना और शेष इतना है। टोटल का आपके इसके साथ एडजस्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि आपका जितना भी 16,398 रुपया IGST के साथ एडजस्ट हो चुका है। कितने में से 1,45,053 में से आपका 16 लाख IGST के साथ एडजस्ट हो चुका है। बाकी जो उसका बैलेंस बचता है वो CGST के साथ पहले एडजस्ट हुआ है, उसके बाद जो CGST का बैलेंस बचा वो आपका CGST टैक्स इनपुट के साथ एडजस्ट हुआ है। और SGST में आपका टोटल कितना था, 14,28,000, जिसमें से आपका 12,49,264 SGST के साथ एडजस्ट हो चुका है। इसमें आपका कोई भी टैक्स नहीं बना, इनपुट टैक्स के साथ आपने टोटल लाइबिलिटी एडजस्ट कर ली है, कोई भी आपका इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। और इस तरह से आप यहां से अब क्रिएट चालान पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप क्रिएट चालान पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडोज ओपन हो जाएगी और नीचे आपका टोटल कोई भी आप देख सकते हैं, ना कोई टैक्स आपका लाइबिलिटी बना है, ना इंटरेस्ट लगा है, ना पेनल्टी, ना फी कुछ भी नहीं लगा है, सब 0-0 है। यानी कि आप सब कुछ टाइम से कर रहे हैं। अब आप यहां से ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे और ई पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ के जनरेट चालान डिसेबल है। इसलिए डिसेबल क्योंकि आपका कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब सीधे यहाँ से बैक जाएंगे और फिर से हम डायरेक्ट 3B को फाइल करेंगे। तो कैसे करेंगे ये देखिए, यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे पेमेंट मोड से वापस आ गए हैं, इस पर अब मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर करेंगे। ओके जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पॉपअप ओपन हो जाएगी, वार्निंग देगा, आप उसको यस कर देना है। जैसे ही आप इसको यस करेंगे आ जाएंगे नो पेंडिंग लाइबिलिटी टू पे कैश अवेलेबल ऑन डाटा ICC अवेलेबल के साथ आपका ये टेबल एडजस्ट हो चुका है। अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं, और थोड़ा सा नीचे चल के देखते हैं। ये आप देख लीजिए पूरी तरह से ये आपका रेडी हो चुका है, सब कुछ ऑफसेट हो चुका है आपका। अब आप यहाँ से प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करके डायरेक्ट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ आप चल करके देख सकते हैं किसी भी प्रकार कोई इंटरेस्ट या कुछ भी लेट फाइन नहीं लगा है आपका। आप बिल्कुल तरह से 3B रेडी है। डायरेक्ट आपको यहाँ से प्रोसीड फाइल पे जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडोज ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है वेरीफिकेशन पे। ये वेरीफिकेशन पे हम अब यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑथराइज सिग्नेचरी का नाम आएगा। सेलेक्ट करते ही जो भी पर्सन का आपको यहाँ नाम रहेगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नाम को अब आप यहां से अगर डिजिटल सिग्नेचर से करना चाहते हैं तो इससे करेंगे, या मोबाइल अगर आपका आधार से लिंक है और जो इसमें रजिस्टर्ड है GST के साथ आपका, तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। जी इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मेल पे या फिर आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगी और फिर आप का रिटर्न फाइल हो जाएगा। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपके सामने ये इस तरह से एक पॉपअप ओपन हो जाएगी और अब आप यहाँ पे OTP अपना फिल करेंगे।
और फिर उसे वेरीफाई करेंगे। ये आपका ओटीपी आप देख सकते हैं जो रजिस्टर्ड है आपका जीएसटी के साथ मेल आईडी उस पर या जो रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर उस पर आएगी। उस ओटीपी का वैलिडिटी 10 मिनट रहेगा, 10 मिनट के अंदर आपको इसे फिल करके आपको वेरीफाई करना है। ओके, तो अब हम यहाँ पे ओटीपी फिल कर लेते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ओटीपी फिल कर दिया है। अब हम यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक विंडो ओपन हो जाएगी पॉपअप। और यह आप देख रहे हैं यहाँ पे 3B फाइलिंग सक्सेसफुली लिखा हुआ फरवरी मंथ का आ रहा है। आपका ये एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो चुका है। अब आप यहाँ से कह रहा है कि आपका ये मैसेज आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल पे भी भेज दिया गया है। अब आप यहाँ से इसे ओके कर लें। ओके करते ही अब आप बिल्कुल ये आ चुके हैं। यहाँ से आप अपना 3B डाउनलोड कर सकते हैं फाइल वाला।